जबलपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और ठेका कंपनियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 लाख उपभोक्ता बिजली विभाग के अधिकारियों पर FIR करवाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने से खास बातचीत जो की है नदी टीवी संवाददाता सोमनाथ मिश्रा ने। बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और लगातार स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उसमें अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जिसका आरोप कांग्रेस द्वारा लगातार लगाया जा रहा है और साक्ष्य भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ है नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, जो बताएंगे कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसमें किस तरह की खामियाँ नजर आ रही है और किस तरह उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है, आइए हम बात करते हैं। जी बताएं, जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसमें क्या अनियमितताएं और किस तरह जो उपभोक्ता है वो ठगा जा रहा है और किस तरह बिजली विभाग देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से शहर की जनता को और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्ट मीटर है, जिसको ये स्मार्ट मीटर बोल रहे हैं, कहीं भी उनकी सप्लाई कोड में या टैरिफ कोड में स्मार्ट मीटर कोई शब्द नहीं है, प्रीपेड मीटर है। प्रीपेड मीटर को ये स्मार्ट मीटर बोल के आम जनता पर थोप रहे हैं, क्योंकि प्रीपेड मीटर अगर बोलेंगे जनता में आक्रोश होगा, स्मार्ट शब्द जोड़ देंगे तो आदमी को लगेगा बहुत अच्छी चीज़ है, मुफ्त में मिल रही है, हमको इसको लगा लेना चाहिए। जब आम जनता इसको इसका बहिष्कार कर रही है, बॉयकॉट कर रही है, क्योंकि पूर्व में जिनके यहाँ लगे हैं उनके अनुभव इसमें खराब है, तो बिजली विभाग बोल रहा है कि इसको लगाना अनिवार्य है, अगर आप नहीं लगाओगे तो आप पे FIR करी जाएगी। तो ये उनका सप्लाई कोड हमने निकाल के दिखा दिया है। इनका सप्लाई कोड बोलता है कि प्रीपेड मीटर जो है इसको विकल्प के तौर पे लगाया जाएगा, अगर किसी की इच्छा है वह लेना चाहे तो लिया जा सकता है। ये टैरिफ का उनका नियम है जिसमें भी उसको विकल्प के तौर पे दर्शाया गया है। ये बात आम जनता से छुपाकर जो 922 करोड़ का ठेका यहाँ का हुआ है उसमें कमीशनखोरी हो सके, बिजली विभाग के अधिकारियों की जो छोटी छोटी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो उनने काम लिया है उनका काम होता रहे, आम जनता पे अगर स्थायी लूट थुपती है तो थुपती रहे। बिजली विभाग बिजली कंपनी जो है ये कंपनी है, ये अपना उत्पाद बेच रही है और आप अपना उत्पाद किसी को लट्ठ दिखा के नहीं बेच सकते। आपका कोई ऑफर है, आपका कोई अवसर देना चाहे तो उपभोक्ता को, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, ये उसकी सोच है, ये उसकी पसंद है, उसको वो लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन स्मार्ट मीटर जो आप जबरिया थोप रहे हैं और जो गलत भ्रम फैला रहे हैं, आज हम लोगों ने उसकी कलई खोली है। 5 सवाल बिजली विभाग के जबलपुर से लेकर भोपाल तक के अधिकारियों से हमने पूछे हैं कि इन 5 सवाल का आप जवाब दे दें, जो आप देना नहीं चाहते उसका जवाब आपके सामने आज हम लोगों ने रखा है कि उन बातों का ये जवाब है कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर के माध्यम से इस प्रदेश की और शहर की जनता पर एक स्थायी लूट थोपी जा रही है। अब जो स्मार्ट मीटर जो लगाए गए 1 लाख उपभोक्ताओं के, उपभोक्ता अब FIR दर्ज कराएंगे बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि जो सुरक्षा निधि है वह वापस नहीं मिली है। कांग्रेस का अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है। जबलपुर से अनादि टीवी के लिए सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट।